नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा CAPF 2023 के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हाल ही में CAPF का फॉर्म आया है, जिससे जो एस्पिरेंट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज में जाना चाहता है, वो ये फॉर्म भर सकता है। अक्सर लोगों को CAPF को लेके बहुत कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं कि भाई आखिर CAPF का सिलेबस क्या है। तो अगर आपके दिमाग में भी CAPF को लेकर के इतना सा भी डाउट है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन है, जो ऑफलाइन फॉर्मेट में है। जो एस्पिरेंट्स ये ऑफलाइन एग्जाम पास कर लेते हैं, उनका फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पैट जिसे बोलते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। बीच में एक र्यूमर्स उड़े थे कि SSB इंटरव्यू होगा 5 दिन का CAPF में। ऐसा कुछ नहीं है, CAPF का 1 दिन का इंटरव्यू UPSC नई दिल्ली में होता है, और फिर आखिर में आता है फाइनल सिलेक्शन होता है मेरिट के बेसिस पे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, और दूसरा पेपर जनरल स्टडीज SA एंड कॉम्प्रीहेंशन का। पहले पेपर में 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा जनरल मेंटल एबिलिटी की क्वेश्चंस होंगे, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग होंगे, क्वांट होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन होंगे। जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, IT है, ये सारी चीज़ें हैं। करेंट अफेयर्स होंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल। भारत का इतिहास, भारत की पॉलिटी, भारत की इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ये सारी चीज़ मिला के पहला पेपर होगा, जिसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। 125 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग के साथ, और दोनों माध्यम इंग्लिश एंड हिंदी में ये CAPF का सिलेबस हो, पहला पेपर होगा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का। जो दूसरा पेपर है वो सबसे पहले उसमें SA लिखने के लिए आएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये SA आप इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा प्रेसिस राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। प्रेसिस राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। 120 मार्क्स का प्रेसिस एंड कॉम्प्रीहेंशन होगा, और 80 मार्क्स का SA होगा। जो बंदे ये रिटन का पेपर निकाल लेंगे, उनका फिर पैट का टेस्ट होगा, जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, जिसमें 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लॉन्ग जंप एंड बॉयज के केस में शॉट पुट भी होगा। इसके बाद जो पैट टेस्ट भी क्लियर कर लेंगे, उनका फिर इंटरव्यू होगा। ये इंटरव्यू UPSC बिल्डिंग नई दिल्ली में होगा। 4 लोगों की कमेटी ये पूरा का पूरा इंटरव्यू लेती है, और इंटरव्यू में कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस लेवल, कैंडिडेट्स का स्टेट ऑफ माइंड, कैंडिडेट्स का साइकोलॉजिकल अप्रोच कैसा है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। ये पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है, ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म DAF जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजते हैं, उसी के बेसिस पे होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस इंटरव्यू में करंट अफेयर्स, देश विदेश की बातें, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन CAPF, व्हाई यूनिफॉर्म, व्हाई नॉट आर्मी, व्हाई नॉट एयरफोर्स, व्हाई नॉट नेवी, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक वीडियो जल्दी मैं लाऊंगा इंटरव्यू के रिलेटेड भी, बट इस वीडियो में मेरा उपदेश था, मैं आपको बता सकूं कि क्या है आखिर CAPF का सिलेबस। डिफेंस एस्पिरेंट्स, CAPF का डिटेल्ड सिलेबस हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है, साथ ही हमारी वेबसाइट blog.trishuldefenseacademy.com पे CAPF का डिटेल्ड सिलेबस है। तो अगर आप CAPF का डिटेल सिलेबस ढूंढ रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं या ब्लॉग में पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों तक पहुंचाएं। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।